हेलो एवरीवन, प्रोप्राइटरी रेशियो। ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ये बताता है कि कंपनी के पास जो सारे एसेट हैं उसमें से कितना हिस्सा कंपनी के मालिक यानी शेयर होल्डर्स का है। क्योंकि वो जो सारे एसेट हैं उसमें से कुछ एसेट हो सकते हैं कि लोन के हैं, लोन के पैसे से लिए गए हैं। तो ये प्रोप्राइटरी रेशियो ये बताता है कि जो सारे एसेट कंपनी में है उसमें से कितना हिस्सा कंपनी के शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के मालिक का है। इस तरह ये जो प्रोप्राइटरी रेशियो है ये किसके बीच रिलेशन को बतलाता है, तो ये शेयर होल्डर्स फंड और टोटल कंपनी के टोटल एसेट के बीच के रिलेशन को बतलाता है। इस प्रोप्राइटरी रेशियो का कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो इसे ऊपर से लिखते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी या प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मतलब करंट एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स भी, लेकिन एक्सक्लूडिंग फिक्टीशियस एसेट्स। कोई फिक्टीशियस एसेट्स है तो उसे नहीं लेंगे, उसे टोटल एसेट में नहीं शामिल करेंगे। ये फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या सारा आता है, हालांकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया, फिर एक बार रिपीट करते हैं। तो भाई शेयर होल्डर्स फंड कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि सीधा ही शेयर होल्डर्स फंड करके अमाउंट दिया था तो वो लिख देंगे, या प्रोप्राइटर्स फंड लिख करके अमाउंट दिया तो वो लिख देंगे। लेकिन अगर डिटेल है तो फिर शेयर होल्डर्स फंड क्या क्या सारा शामिल करके शेयर होल्डर्स फंड बनेगा। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या शामिल होता है, शेयर होल्डर्स फंड मैं क्या क्या रहता है भाई, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसके बाद कोई भी रिजर्व सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। और इसमें से घटा क्या देते हैं, तो कोई फिक्टीशियस एसेट है तो उसे घटा देते हैं, फिक्टीशियस एसेट। इस तरह से अपने पास शेयर होल्डर्स फंड आ जाता है। क्या क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टीशियस एसेट। फिक्टीशियस एसेट क्या सारा है जो कि फिक्टीशियस एसेट है, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारा फिक्टीशियस एसेट है। तो वो अगर रहेगा तो उसे हम घटा देंगे, इस तरह से शेयर होल्डर्स फंड निकलेगा। और इसके अलावा शेयर होल्डर्स फंड निकालने का एक और भी फॉर्मूला हो सकता है, अगर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, रिजर्व सब शेयर कैपिटल ये सारा नहीं दिया हुआ है, तो उस स्थिति में दूसरा इंफॉर्मेशन जो होगा उसके आधार पर अगर निकालेंगे तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर क्या हो जाएगा, फिर तब होगा नॉन करेंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी। अब है नॉन करेंट एसेट क्या सारा है जो नया जिसे नॉन करंट एसेट में शामिल करेंगे, तो नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, प्लस इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या है भाई, तो वो सारा एसेट्स, वो सारा फिक्स एसेट जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट्स यानी वो सारा
फिक्स्ड एसेट जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। टेंजिबल एसेट के एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ये विजिबल आइटम है एसेट का। और इनटेंजिबल एसेट गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारा इनटेंजिबल एसेट। तो नॉन करंट एसेट्स में सारे टेंजिबल एसेट प्लस इनटेंजिबल एसेट प्लस कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबी अवधि का विनिवेश, लंबी अवधि का निवेश प्लस लोन एंड एडवांस अगर कंपनी ने दे रखा है तो। ये हो गया नॉन करंट एसेट। और वर्किंग कैपिटल, तो भाई वर्किंग कैपिटल बराबर कैसे निकालेंगे वर्किंग कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में क्या नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट तो बता दिया क्या सारा होगा, और वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटाकर वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा। और इसके बाद में क्या है, क्या है नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो भाई नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या सारा, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लंबी अवधि के लिए लिया गया उधार, या कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सारा हो गया नॉन करंट लायबिलिटी। और इसके बाद में क्या भाई, ये तो शेयर होल्डर फंड के लिए हो गया, और टोटल एसेट में क्या क्या होगा, तो टोटल एसेट सारा नॉन करंट एसेट और करंट एसेट भी प्लस करंट एसेट। और क्या निकाल देंगे, क्या घटा देंगे, तो माइनस फिक्टीशियस एसेट, कोई फिक्टीशियस एसेट है तो उसे टोटल एसेट में शामिल नहीं करेंगे, उसे घटा देंगे, उसे हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। क्या था फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी रेशियो के शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, ये है। अब शेयर होल्डर्स फंड कैसे मिलेगा हमें, तो शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टीशियस एसेट्स अगर कुछ है तो, ठीक है। पर अगर इंफॉर्मेशन में शेयर कैपिटल रिजर्व वगैरह नहीं दिया तो दूसरा क्या तरीका है शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए, तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। इस तरह भी शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट किया जाता है। अब है नॉन करंट एसेट में क्या शामिल होता है, तो सारे टेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और लोन एंड एडवांस डेबिट बैलेंस, अगर कंपनी ने लोन या एडवांस दे रखा है तो वो भी फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है, ठीक है। और फिर आता है भाई नॉन करंट एसेट, तो इस तरह से निकल जाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में क्या बताया, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट एसेट तो इस तरह से निकल गया कि टेंजिबल एसेट प्लस इनटेंजिबल एसेट प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस लोन एंड एडवांस डेबिट बैलेंस। और अब जो वर्किंग कैपिटल है वो कैसे निकलेगा, तो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए करंट एसेट्स में करंट लायबिलिटी घटा दो, वर्किंग कैपिटल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आता है नॉन करंट लायबिलिटी, माइनस करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी को, तो नॉन करंट लायबिलिटी में सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स हो या कोई सिक्योर्ड लोन हो, ठीक है, या लोन बैंक लोन हो, ये सारा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों मिलाकर हो गया नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए, होती है दो फार्मूला हो गया। और टोटल एसेट के लिए मैं सारे करंट एसेट को भी शामिल करते हैं, नॉन करंट एसेट को भी शामिल करते हैं, तो नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस फिक्टीशियस एसेट, फिक्टीशियस एसेट अगर है तो उसे निकाल देंगे, उसे घटा देंगे।
तो इस तरह से ये फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पर एक दो सवाल बनाकर देखते हैं। ये है सवाल और इससे हम लोग को प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करना है ना। क्या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है 2 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज 50,000, नॉन करंट एसेट्स 3,60,000 और करंट एसेट्स 90,000। तो भाई हमें क्या चाहिए प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो ये हमें क्या क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स का शेयर होल्डर्स फंड चाहिए और टोटल एसेट चाहिए। तो शेयर होल्डर्स फंड निकालने के लिए यहां जो सेकंड फॉर्मूला था वो यूज होगा, क्योंकि यहां पे कैपिटल से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस ये सब नहीं दिया हुआ है। तो जो दूसरा इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से वो जो दूसरा फॉर्मूला है वो लगेगा। तो शेयर होल्डर्स फंड बराबर नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो वही नॉन करंट एसेट तो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल हमें निकालना है। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी घटा देते हैं तो निकल जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट कितना है 90,000 और करंट लाइबिलिटी कितना है 50,000। तो घटा दिया तो अपने पास आ गया वर्किंग कैपिटल कितना 40,000। और क्या चाहिए, नॉन करंट लाइबिलिटी चाहिए। तो नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या सारा, तो सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इससे नॉन करंट, ये सारा नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो भाई नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है 2 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना है 1 लाख बराबर 3 लाख। तो सारा चीज मिल गया हमें, हमें चाहिए क्या क्या, नॉन करंट एसेट, तो नॉन करंट एसेट कितना 3,60,000 प्लस वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कितना निकाला अभी हम लोगों ने 40,000 और माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी कितना 3 लाख। तो इस तरह से आ गया अपने पास शेयर होल्डर्स फंड कितना 4,01,00,000, शेयर होल्डर्स फंड आ गया और टोटल एसेट चाहिए। तो टोटल एसेट कैसे निकाल लेंगे, टोटल एसेट बराबर क्या, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट क्या है कितना 3,60,000 प्लस करंट एसेट कितना 90,000, मिलाकर हो गया 4,50,000। अब हम निकाल लेते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर शेयर होल्डर्स फंड जो कि कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट कितना है 4,50,000। तो ये गया 4,040, 5-7 काटे तो 2 बार भी कट गया, 5×2=10 और 45 हो गया 5×9=45। तो क्या आ गया प्रोप्राइटरी रेशियो 2:9। तो ये एक सवाल बनाया हम लोग ने जिसमें प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट किया। एक और सवाल देखते हैं। अब ये सवाल है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो एंड टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। हमें दोनों कैलकुलेट करना है, प्रोप्राइटरी रेशियो भी और टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो भी, ठीक है।
और ये इन्फॉर्मेशन दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व है 60,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना है 40,000, 12% डिवेंचर है 2 लाख, फिक्स एसेट्स 4 लाख, इन्वेस्टमेंट 3 लाख, करंट एसेट्स 2 लाख और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 1 लाख। ठीक है, तो भाई हमें चाहिए क्या क्या? सबसे पहले प्रोप्राइटरी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर, पहला प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, ये निकालते हैं। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर क्या? शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो इस प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए हमारे पास चाहिए शेयर होल्डर्स फंड और टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 4 लाख, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो कितना है तो 2 लाख। अच्छा और क्या है इसके बाद में है? रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस को भी ऐड करते हैं ना, तो रिजर्व यहां लिख लेते नीचे, रिजर्व है 60,000 प्लस सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसे भी जोड़ेंगे पीएल क्रेडिट बैलेंस है ना, इसे भी जोड़ लेंगे, ये कितना है 40,000। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया और क्या? हाँ, ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। क्या था कि भाई फिक्टिशियस एसेट अगर पूछा तो उसे घटा देंगे, तो उसे घटाएंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये कितना है तो ये है 1 लाख, इसे घटा देंगे। तो कितना हो गया शेयर होल्डर्स फंड? शेयर होल्डर्स फंड हो जाएगा 4 लाख प्लस 2 लाख 6 लाख, 6 लाख 60,000, 40,000 7 लाख, और ये 7 लाख में से 1 लाख प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसे घटा देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस घटाया क्योंकि वो फिक्टिशियस एसेट है, तो हो गया 6 लाख। ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड। और दूसरा क्या चाहिए? टोटल एसेट, यहां पे कर लेते हैं। दूसरा चाहिए टोटल एसेट। टोटल एसेट में क्या सब होगा भाई? तो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट दोनों को शामिल करेंगे, दोनों ही तरह के एसेट को, क्योंकि टोटल एसेट की बात हो रही है। तो टोटल एसेट में करंट एसेट भी, नॉन करंट एसेट भी। तो क्या क्या है? तो फिक्स्ड एसेट कितना 4 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट कितना 3 लाख और प्लस करंट एसेट कितना है? करंट एसेट 2 लाख। ये मिलाकर टोटल एसेट कितना हो गया? 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, 4 × 3 = 7 = 9 लाख, ये हो गया टोटल एसेट। ठीक है, अब क्या करना है हमें? प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है, उसके लिए शेयर होल्डर्स फंड चाहिए, वो 6 लाख आ गया और टोटल एसेट्स 9 लाख। ठीक है, तो निकाल लेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स फंड कितना 6 लाख डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कितना 9 लाख।
इससे कटा तो दो तीन से कटेगा, दो बार में ये तीन दूनी छः और नौ तीतिया नौ तीसरी जाना है, तो हो गया 2:3। ये हो गया प्रोप्राइटरी रेशियो। और दूसरा इसमें चाहिए टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो भाई टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स टू टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट। तो टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय डेब्ट, ठीक। तो टोटल एसेट्स तो अपने पास है ही निकाला हुआ 9 लाख, और डेब्ट, डेब्ट यानी यहां पे लॉन्ग टर्म डेब्ट की बात हो रही है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी लंबी अवधि का ऋण, जो लंबे समय के बाद मतलब एटलीस्ट साल भर के बाद जिसे लौटाना है। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट में यहां पे है क्या? तो ये है 12% डिबेंचर, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पीछे वाले वीडियो में भी बताया मैंने, तो उसे भी देखें। तो केवल डिबेंचर है जो लॉन्ग टर्म, बाकी तो अगर लेवरेज और कुछ तो है नहीं लॉन्ग टर्म डेब्ट में, नहीं है। तो 12% डिबेंचर जो है लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो टोटल एसेट्स अपने पास है 9 लाख, है ना, डिवाइडेड बाय क्या, लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना, 2 लाख डिबेंचर। अब इसे छोटा करेंगे तो क्या होगा, कितना होगा, 2:4.25 रेशियो 1। ये हो गया टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। तो ये हम लोगों ने प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में समझा, और उस पर कुछ एक सवाल बनाया। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।